योगी सरकार एक ओर जहां बंद पड़ी चीनी मिलों को शुरू करने की कवायद में जुटी हुई है, तो वहीं डिस्टिलरी बंद होने से कई शुगर फैक्ट्री बंद होने की कगार पर हैं, जिसके पीछे की वजह है कि चीनी मिल से शीरे का उठान न होना। सहारनपुर की नानोता मिल में बने शीरे के सभी टैंकर भर जाने के बाद मिल में क्षमता से अधिक शीरा पक्के टैंकों के अतिरिक्त कच्चे गड्ढे खोदकर उसमें इकट्ठा किया जा रहा है। मिल प्रबंधन को चिंता सता रही है कि यदि समय रहते शीरे का उठान नहीं हो पाया तो चीनी मिल बंद के कगार पर पहुंच जाएगा। हमारे पास करीब 2,33,34,000 क्विंटल शीरा उपलब्ध है। इसके अलावा क्योंकि जो और क्रशिंग सीजन रह गया है उसमें करीब 2,00,000 क्विंटल शीरा और बनने की संभावना है। तो शासन स्तर से संघ स्तर से हम भारी वार्ता चल रही है, इसका अगर उठान हो जाएगा तब आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो पाँचवें गड्ढे की खुदवाने की तैयारी चल रही है। और पांचवा गड्ढा, चार गड्ढे फुल हो चुके हैं जो हमने पूर्व में खुदवाए थे, पांचवा गड्ढा खुदवाया जा रहा है। उसके उपरांत भी अगर मान लो शीरा नहीं उठेगा तो उसका लोकल स्तर पर एकमात्र यही उपाय है कि गड्ढे खुदवा के शीरे का संभरण किया जाए। तो मिल पर भी असर पड़ेगा इसका? आगे अगर कहीं जगह नहीं रहेगी तो मिल भी बंद होने की संभावना आगे या कम क्रशिंग की संभावना बन जाएगी। जैसे जैसे शीरा का उठान होता जाएगा जगह खाली होती रहेगी, उसी तरह ट्रॉलिंग की जाएगी। उधर सहारनपुर की सरसावा चीनी मिल की भी यही स्थिति है। अगर जल्द ही शीरे का उठान शुरू नहीं हो पाया तो मिल परिसर में शीरे के फैलने का खतरा बन जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहारनपुर से रामकुमार पुंडीर की रिपोर्ट।